प्लस हरियाणा न्यूज और शिवा न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल फूले कला गांव में है और फूले कला गांव में अपने पास सूबे सिंह नंबरदार जी अपने पास है। इससे पूछेंगे कि ये गांव जो फूले कला गांव है कब से बसा था, इसकी हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे। जो हमारे साथ सूबे सिंह है नंबरदार है, इससे बातचीत करेंगे। आइए इससे बातचीत करते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई साहब। ताऊ, जो आपका गांव है कितने हाँ साल पुराना गांव है? भाई, वो तो वैसे तो ये बहुत पुराना गांव है। फिर यू फूल शहर के नाम से पुकारा जाए करता, बीच को कुछ कारणों से कैसे उजड़िया, इसकी आबादी बहुत ज्यादा थी। आज यह दोबारा से जो बसाया गया नहीं, इसका नाम ही फूलिया कला है। तो ताऊ, जो यहाँ पर खेड़ा बांधा गया है हाँ, पहले वो किस गोत्र के द्वारा बांधा गया? तो यु कतीरे गोत का हिसाब तले गांव बसे, इसका जो सहयोग में भी रहे या साथ में आए, जो बातों का बेरा है या लियाए गए हैं। अच्छा, इसमें और गोत भी कुछ शामिल है। जो खेड़ा बांधा गया आपका कितने बार बांधे गए? यू तो वही बताओ तो, एको बार जो बंध्या हुआ खेड़ा है या पुरानी जगह पे या गांव से था यू बहर, पहले ये दर्शाता है कि भाई ये मतलब फुल शहर पहले से बसे हो यार उसी जगह पे, जो गामा की आबादी है उन खेड़िया के लिहाज से हमारा हिसाब में तो जो ये बात आवे भाई पुरानी जगह पे बंध्या हुआ है और कतीरे न बंध्या। तो आपका गांव में कितने गोत्र है? मेरे गांव में भाई गोत जैसे मिलिक है, गणगस है, पानू है, आजा भाई भिंडर है, ग्रीड है, आजार भाई डांडा है, कई गोता का मिलिया जुलिया गांव चल रहा है मेरा मौका। तो आप किस गोत्र से? मैं हूँ भाई कतीरा गोत से, जिसका असली गोत लाले इतिहास में कटावा बोलिया जावे, कटारिया ही बोलिया। तो आपका गोत का के कुछ इतिहास है? मेरा गोत का इतिहास जाट इतिहास बतावे, वह कटावा गोतर ने जितनी सृष्टि में शीश कटान की कुर्बानी दी है, जाट इतिहास बतावे। हाँ, इतनी और किसे गोतर ने दी? तो आपका गोत्र के पीछे से क्या कुछ हिस्ट्री है, कहाँ से चल आए थे, और आपका जो फूले कला गांव में आप कैसे पहुंचे? ये जैसे पहले की बता सुनियो ये बातें जो सामना आवे नहीं, वह तिब्बत से कटावा शहर बसा था, ओढ़ था ये दहाड़ पेड़िया की जो मुगला के खिलाफ जंग हो या नहीं, उनमें ले ले जो मारा बुजुर्ग उड़ा आया नहीं, कुछ पंजाब में बिक गए थे, कुछ साइड है इसका तीर लगे हुआ था, बीकानेर में लड़ाई खत्म हुई थी, वहां से आए हुए थे। तो जो कटारिया गोता फूले कला गांव में आया था, उसके साथ और को गोता है? भाई इस बात का तो उसके जो सहयोगी थे नहीं, बाद में ले आया, पहला जो उसका एक में बताते थे भाई तीर लगे हुआ था, उरे जड़ी बूटिया का सहयोग था, तालाब पे ले ले पानी का सहारा था, उरे आदिवासी जैसे लोग होए करते। अजय उस टाइम की तो यह सुनने में आवे बात मारे, वो तो कौन से गोता है? तो ये सारे फिर बाद में उनका सहयोग का श्यामता आया भाई, जैसे गणगस है, मलिक है, और यहाँ अपने अपने हिसाब किताब ले गए। आज भी मेरे गांव में और जातियां के कई घर ऐसे हैं जो से 20-30 आदमी और गांव में तो ज्यादा नवे बस रहे हैं। तो जो मलिक मलिक होता है उसका के कुछ किया? ये मलिक नहीं बोलिया जावदा भाई, ये था गठुआला मेरे गांव में तो। अच्छा, कुछ गठुआले भाई पूरा रह गए, कुछ पोड़ा जी ले ले फूलिया छोटी बसाई बुजुर्ग ने, अजय करीब 300 साल पहला की बातें होंगी भाई, ओड़े चले गए। हाँ, तो जो फूले खुर्द गांव में है, फूले खुर्द आपके गांव से ही चलकर उधर बसा? उरत है जो बूढ़ा न्यारा होया था, आज उसका हक बंडाया का इस्ते, फिर एक भाग इस गांव का आगे बच गया था, जो बताऊ तो ना मुगला का टेम में वो
नजर शाली खैट कर ठेके पे दे के काना काम ने जिसमें दो खेड़े बसे हुए मारे थी। काना खेड़ा गाँव भी आप ही का होगा वो माँ तुम्हें मारी थी। अच्छा सरकार ने अपना खाते में लेकर वह फिर बोली कराए कर दे। और जो डांडे बहुत आए थे डांडा करके कुछ किया से डांडिया में तो भाई बताऊ तो ना मारा है कोई लले बुजुर्गा की बेबे बुआ थी आज उसकी शादी हुआ जो खूखंड में कमी थी बकर के उनकी उनका हिस्सा दिया हुआ है मेरे कतीरे ने। तो आपका गांव में तकरीबन कितने जमीन होगी। मारा होगी भाई 6,500 के करीब। 6,500। और जो कटारिया गोट में है फिलहाल कितने जमीन है। बस जमीन ना के तो बंटवा रहा कभी जोड़ लाया नहीं अपने जी तो एक एस्टीमेट लिखो। एस्टीमेट का तो हिसाब किताब यू बढ़िया उस टाइम में मेरा पत्तीवाज गांव नहीं है मेरा झुंडी तोड़ गांव का हिसाब था जिस पर जितने आदमी जितना लेवल था जितनी कमाई जैसे कोई भी मिल फैक्ट्री करे उस हिसाब की है। तो तब जो आजकल मारे जैसे युवा पीढ़ी है उन्हें इस बात का नहीं पता झुंडी तोड़ के हुआ है वह झुंडी तोड़ो झुंडी तोड़ नहीं हुआ जुकर कुल रकबा उरत है धरोधी में फितने वाले पड़े करते जो उरा है या नहीं जिसने जितनी आबाद कर ली अपनी मेहनत का हिसाब था आज यार रिकॉर्ड ही हुआ हुआ है जिसमें बताओ तो ना इससे हुआ इस पत्ती के ही है इससे इसके ही है मेरा पत्तीवाज गांव पत्तीवाइज गांव में ना तो जिसने मेरा दादे लाई गांव दादे लाई गांव। और जो आपका कटारिया गोत है ये पूरा भारत में कड़ा कड़ा फैल रहा भाई इसका जो बताओ कटावा का हिसाब है इतिहास तो ये बताओ सृष्टि में सबसे पहला गोत है और सृष्टि में सबसे ज्यादा कुर्बानी इसने दे यही बात में तो कतीरे का हिसाब था भाषा के अनुसार बोल इसके 48 गोत बताए गए तो एक गोत के अगर 48 भाग बताए बताओ है जाट इतिहास। तो फिलहाल आपने पता हो जी आपका पुत्र का जो हमने सुनी है नहीं भाई कुछ गांव पंजाब में जो से मैं बताऊ कतीरे बोल रहे और कुछ हमें या कुछ भाई बताऊ जो कर डाटा और भाई यो गुराना गोरखपुर है बस ये कुछ भाग सुनिया मन्ना बाकी ज्यादा ज्ञान। तो आपका हरियाणा में कौन सा बड़ा गांव है जो आपका गोत का है। मारे एरिया में तो मारे दो गांव बड़े दो कतीरे के गांव है और भी मारे सहयोग में सारे भाई मिलजुल के बस रहे। फिलहाल जो हमारे साथ फूले कला गांव से सूबे सिंह नंबरदार जी थे उनसे बातचीत करी जो इस गांव का क्या कुछ इतिहास रहा है वो स्थान का पूरी जानकारी दी सूबे सिंह नंबरदार जी ने। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए उल्लास हरियाणा न्यूज़ और शिवा न्यूज़ दोनों को देखते रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान जय हिंद।